हेलो एवरीवन सबसे पहले तो सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस 2020 एंड होने आ गया ईयर एंड का लास्ट uh, वीक चल रहा है दिसंबर का सबसे पहले तो आप लोग इस ईयर को बाय बोलिए और नेक्स्ट ईयर का शुरुआत कीजिए और उम्मीद करते हैं कि 2020 से 21 बहुत अच्छा जाएगा और ट्वेंटी में सब हमको पॉजिटिव न्यूज और चारों तरफ से खुला माहौल मिलेगा तो इस वीकेंड का इस लास्ट वीक का जो पॉडकास्ट है इसके अंदर हम निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे और सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे तो इस वीकेंड के बाद जब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करके आएंगे तो मंडे के दिन जो रहेगा वो थोड़ा सा क्रोशियल डे रहेगा कॉशियस डे वाला दिन भी रह सकता है आप लोगों को वॉच करना है मंडे के दिन किस तरह से मार्केट्स में मूवमेंट देखने को मिलता है निफ्टी का जहां तक सवाल है द इमीजिएट हर्डल एंड रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी इज प्लेस्ड एट अराउंड थर्टीन थाउजेंड सेवन एटी थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड लेवल्स मेक और ब्रेक लेवल होगा अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है और क्लोजिंग दे देता है तब तो एक बहुत बढ़िया अपसाइड मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है लेकिन जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है अगर मंडे के दिन में करेक्शन आती है और 13,650, 13,600 के लेवल अगर नीचे में टूटते हैं तो फिर एक अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है सो नाउ द इमिडियट सपोर्ट फॉर निफ्टी इज प्लेस एट अराउंड थर्टीन थाउंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी थाउजेंड सिक्स एंड द रेजिस्टेंस इज प्लेड एट अराउंडीन थाउजेंड सेवन एटी एंड लेवल इधर साइड ब्रेकआउट वी आर गोइंग टू ए वेरी गुड मूव सो अगर नीचे में सपोर्ट लेवल्स ब्रेक होते हैं तो 13 13 तक के देखने को मिल सकते हैं एंड अगर ऊपर लेवल ब्रेक होते हैं तो 14,000 से लेके 14,200 तक के लेवल हमको निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं नाउ वेन इट कम्स टू बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है uh, टी थाउजेंड सेवन एंड थर्टी वन थाउजेंड आर दी रेजिटेंस लेवल अगर ये ब्रेकआउट uh, मिलता है अगर नीचे में निफ्टी तीस हजार का लेवल ब्रेक कर देता है जो कि अभी इमीजिएट सपोर्ट लेवल्स बने हुए हैं तो करेक्शन देखने को मिलेगा और फिर वापस हमें हजार से पंद्रह सौ पॉइंट का करेक्शन या फॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है तो जिस तरह से निफ्टी लेवल्स के आसपास खड़ा है उसी तरफ से बैंक निफ्टी भी एक लेवल्स के आसपास है नेक्स्ट वीक देखना रहेगा कि किस तरह का मूव देखने को मिलता है ओवरऑल जिस तरह के चार्ज स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस पे क्लोज हुए और अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ तो स्ट्रांग अप मूव देखने को मिलेगा और अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं हुआ और रेजिस्टेंस फेस करके अगर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो डाउन मूव भी शार्प देखने को मिलेगा तो मंडे को प्रिपेयर रहिए फिलहाल मेरा आप लोग को यही सलाह रहेगा कि वीकेंड एकदम अच्छे से एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए लॉन्ग वीकेंड है तो इस वीकेंड के अंदर फैमिली को टाइम देना 100 परसेंट बनता है उसके बाद जब नेक्स्ट वीक आएंगे तो फ्रेश माइंड के साथ आइए और मार्केट्स के अंदर कॉन्शियसली ट्रेड कीजिए स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए और लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए निफ्टी का सपोर्ट थर्टीन सिक्स हंड्रेड थर्टीन सिक्स फिफ्टी रेजिस्टेंस थर्टीन सेवन एटी थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड लेवल्स बैंक निफ्टी का ऊपर में रेजिस्टेंस थर्टी सेवन हंड्रेड थर्टी वन सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी इज प्लेस एट अराउंड थर्टी लेवल्स तीस हजार के नीचे अगर सस्टेन करता है और क्लोजिंग मिलती है तो आठ सौ से हजार पॉइंट का फॉल तो इमीडिएटली देखने को मिल सकता है ये लेवल्स आप लोग को निफ्टी बैंक निफ्टी में ध्यान रखना है जहां तक सेक्टर स्पेसिफिक का सवाल है आ, पूरा फोकस फार्मा सेक्टर में बना के रखिए तेजी की तरफ का फार्मा सेक्टर में एक एक करके तेजी देखने को मिल रही है स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे आप तो कैडिला हेल्थ केयर बहुत अच्छा लग रहा है सिप्ला बहुत अच्छा लग रहा है सन फार्मा चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है डॉक्टर रेडी ऑरो फार्मा डीवीज लैब ग्लैनमार्क ये सभी स्टॉक्स चार्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे लग रहे हैं एक एक करके सब में ब्रेकआउट आ रहा है तो आप इस सेक्टर को वॉच रखिए वॉच पे रखिए जो जो स्टॉक्स आपने बाय करके रखे हैं वो होल्ड कीजिए और कोई भी डीप आता है तो इन स्टॉक्स में फ्रेश खरीदारी कीजिए फार्मा सेक्टर एक बड़ा और अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है आने वाले हफ्ते में या आने वाले कुछ हफ्तों में एक बहुत बड़ी अपसाइड मूव देखने को मिलेगा जिसमें आठ से दस का मूव तो इमीजिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म में इससे ऊपर का मूव भी देखने को मिलेगा इसके साथ साथ आईटी और एफएमसीजी भी डिफेंसिव के तौर पे आपको खरीदारी करना चाहिए आईटी सेक्टर में इंफोसिस टीसीएस टेक महिंद्रा विप्रो एच सी टेक ये सभी चार्ट्स के ऊपर अच्छे दिख रहे हैं जहां तक एफएमसीजी का सवाल है हिंदुस्तान यूनिलीवर गोदरेज सीपी उसके बाद मेरी को डाबर नेस्ले ये स्टॉक्स भी चार्ट्स के ऊपर अच्छे ही लग रहे हैं तो इन स्टॉक्स में भी आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं और एग्जिस्टिंग पोजिशंस होल्ड कर सकते हैं ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक और एक्यूरेट लेवल्स और एक्यूरेट एंट्री और एग्जिट लेवल्स के लिए आप हमारे साथ टच में रहिए हमें रेगुलरली फॉलो करते रहिए तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें और अच्छे से लाइफ एंजॉय करें वन सेकेंड पॉडकास्ट एंड करने के पहले आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नेक्स्ट वीक में न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा तो आने वाले नए साल के लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी हमें इस कोरोना वायरस नामक बीमारी से छुटकारा मिले ताकि हम सब लाइफ अच्छे से एंजॉय कर पाए थैंक यू वेरी मच